14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन के सफल लॉन्च के बाद से ही पूरी दुनिया की नजर चांद पर उसकी लैंडिंग पर टिकी हुई है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों की दिन रात की कड़ी मेहनत लगी है, लेकिन अब चंद्रयान 3 इतिहास रचने के बेहद करीब है। इसरो के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त की शाम लगभग 6:04 पर यह चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। तो आइए जानते हैं लैंडिंग से पहले और बाद में क्या कुछ है खास इस मिशन में। तय समय पर सेफ लैंडिंग का प्रयास करेगा विक्रम लैंडर। 23 तारीख का दिन 6:04 का समय निर्धारित किया है इसरो ने, जब हमारा विक्रम लैंडर जो है सेफ लैंडिंग का प्रयास करेगा और दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर अपना आगे का एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा करेगा। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 पर टिकी रहेंगी निगाहें। अभी तक जिस तरह से इसरो ने सुनिश्चित किया है कि हमारा मिशन जो है वो काफ़ी स्टेबल है और अभी अपने आखिरी किलोमीटर्स का सफ़र है उसके लिए पूर्णतः तैयार है, तो अभी तक तो कोई इस तरीके की खबर नहीं है कि हमें लास्ट मिनट चैलेंजेस फेस करने पड़े। पर स्टिल सॉफ्ट लैंडिंग जो है अभी भी हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। जब तक हम चंद्रमा की सतह पर आसान से सेफली जो है लैंड नहीं कर जाते, तब तक डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस रहेंगे। परिस्थितियों को देखते हुए लैंडिंग के समय में किया जा सकता है बदलाव। उतरने से पहले कई तरीके के एक्सपेरिमेंट विक्रम लैंडर करेगा और उस सतह को मैप करेगा कि ये उतरने से पहले सुनिश्चित करेगा कि सेफ लैंडिंग के लिए ये सही समय है या नहीं। अगर आंकड़ों के दौरान ये पाया गया कि समय उचित नहीं है तो समय बदला जाएगा। अगर वो ये सुनिश्चित करेगा कि मिशन को आगे बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो इस तरीके के डिसीजन भी जो है हमारा विक्रम लैंडर ले सकता है। अगर हमारे हिसाब से जिस तरह से प्लान किया गया, अगर स्थिति उस तरह से अनुकूल नहीं रही तो लैंडिंग होना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सॉफ्ट लैंडिंग अगर एक बार हो जाती है तो प्रज्ञान रोवर जो है विक्रम लैंडर से अलग होगा और आगे का कार्य जो है वो प्रज्ञान रोवर सतह की एनालिसिस करके एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाएगा। लैंडिंग के बाद आगे क्या होगा? 27 तारीख का दिन जो इसरो ने इस बात को सुनिश्चित किया है, अगर कल 23 तारीख को अगर सफलता से लैंडिंग नहीं होती और लास्ट मिनट कोई ट्रबल हमारे सामने आता है तो एक बार फिर 27 तारीख को प्रयास किया जाएगा। चांद पर लैंडिंग के बाद भी 14 दिन है बेहद जरूरी। 14 दिन का ये पूरा मिशन प्रोफाइल है, ये पूरा मिशन 14 दिन के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो 14 दिन जो है चंद्रमा के उस सतह पर उजाला रहेगा जिस सूर्य की प्रकाश को इस्तेमाल कर सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा।